नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। नाथ पंथ और नाथ पंथ की उत्पत्ति ये सब हम लोग जानते हैं कि दत्तात्रेय भगवान से हुआ। दत्तात्रेय भगवान की उत्पत्ति वो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कैसे हुआ था। उसके बाद नवनाथ आए। नवनाथ में पहले बार जो नवनाथ आए वो शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, विष्णु जी ये थे। दूसरे नवनाथ में जो फिर से आए उसमें हमारे कानिफनाथ जी थे, गोरक्षनाथ जी थे, उनके गुरु मच्छिंद्रनाथ जी थे। दूसरे बार जो नवनाथों का प्रादुर्भाव हुआ, देखो नवनाथ दो बार आए, उससे पहले ये नवनारायण के रूप में आए थे और नवग्रह भी इन्हीं का रूप है। तो जब दूसरी बार नवनाथ आए तो उनके आने का प्रयोजन क्या था? उनके आने का प्रयोजन था कि जो साबर मंत्र माँ भगवती के कहने पे महादेव ने भीलों को दिया था वो साबर मंत्र और ज़्यादा बढ़े। तो नवनाथों के पास इतनी शक्ति थी और ऐसे ऐसे साबर मंत्र थे कि ये देवताओं को भी हरा सकते थे। एकमात्र नवनाथ ही ऐसे थे इस चल पृथ्वी पर जिनसे देवता भी हार जाते थे। इनके गुरु दत्तात्रेय जी, उन्होंने एक मंत्र दिया। अब समझो कि नवनाथों के गुरु ने जब कोई मंत्र दिया तो वो कितना शक्तिशाली मंत्र होगा। तो ये एक मंत्र है जिसको माना जाता है कि ये हजार साबर मंत्र जप, मतलब इस मंत्र को दत्ता माला मंत्र बोलते हैं, ठीक है। इसका एक माला अगर आप जाप करते हो 108, तो हजार बार किसी भी साबर मंत्र के जप के बराबर होता है, ठीक है। जो जैसे कोई मंत्र आपने जाप किया हजार बार, उसको हजार बार में सिद्ध कर लिया, उतना ही ताकत इसके एक माला में होता है। भगवान दत्तात्रेय ने टेम्बे स्वामी को खुद ये मंत्र लिख करके बताया था। ऐसे ये बहुत लंबा मंत्र है और इस मंत्र को आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि दत्तात्रेय भगवान जी का ये स्त्रोत्र है, लेकिन ये स्त्रोत्र नहीं है, ये उनका मंत्र है और इसको हम लोगों को दिन में करना चाहिए। एक बार मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि ये मंत्र है क्या। अच्छा, इस मंत्र में एक और खासियत है, देखो जब मंत्र करो ना तो साबर के जो मंत्र होते हैं वो लोकल भाषा में होते हैं और बहुत बार उनका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ऐसे मंत्र जब आप करते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में जो काली का मंत्र था तो उनके बीज का क्या अर्थ है ये आपको बताया था, वैसे ही दत्तमाला का मैं आपको मतलब बता रहा हूँ और शब्द बता रहा हूँ ताकि आप इसका जाप कर सकें। दत्तमाला का अगर आप जाप करोगे, ठीक है, तो हर तरह के परेशानियों और विकार से आप निकल जाओगे। मतलब जो साबर मंत्र से आप शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हो वो मात्र इस मंत्र के जाप के प्रभाव से आपको मिल जाएगा। ना किसी पंथ का उलझन, ना किसी गुरु का उलझन, सीधे पावर, ठीक है। तो मंत्र सुनिए, श्री कानिफनाथाय नमः। ओम नमो भगवते दत्तात्रेय। स्मरण मात्र संतुष्टाय, महाभय निवारणाय, महाज्ञान प्रदाय, चिदानंदात्मने बालोन्मत्त पिशाचवेशाय, महायोगिने अवधूताय, अनुसूया नंद वर्धनाय, अत्रि पुत्राय। तो ये जो है, जो महामंत्र है दत्तमाला, श्री दत्तमाला, इसका प्रथम चरित्र है। प्रथम चरित्र में जो है दत्त महाराज की स्तुति की गई है, ठीक है। इसमें उनकी बड़ाई की गई है, जैसे किसी भी भगवान की जब स्तुति होती है तो उनके बारे में बोला जाता है। तो ये जो पहला है, ओम नमो भगवते दत्तात्रेय, तो इसमें हे भगवान दत्तात्रेय, आप वो हैं जो कि स्तुति मात्र से ही खुश हो जाते हैं, जिनकी स्तुति करने से वो खुश हो जाए और कोई भी पूजा ना करना पड़े, वैसे दत्तात्रेय भगवान को नमस्कार है। दूसरा है महाभय निवारणाय, मतलब महाभय का अंत करने वाले। महाज्ञान प्रदाय, जो बहुत ज्ञान देते हैं, जो महाज्ञान है, जो बहुत गुप्त ज्ञान है, वो देने वाले भगवान दत्तात्रेय है। चिदानंद आत्मने, मतलब
जो विश्व ज्ञानी है, जो खुद में खुद पर ध्यान लगाते हैं और खुद में सोए रहते हैं, जो बिल्कुल ही फियर्स हैं, मतलब जैसे महादेव को बोला जाता है बहुत भोले हैं, लेकिन उतने ही वो डिस्ट्रॉयर हैं यूनिवर्स के, अनप्रिडिक्टेबल है। तो वैसे दत्तात्रेय भगवान, जिनको अपने शरीर और बुद्धि का कोई ख्याल नहीं है, वो ध्यान में इतने मग्न हैं जैसे कि एक बाल पिचास हो, जो कि अवधूत हैं, जिनका ज्ञान जो है उसको तौला नहीं जाता, जिनके ज्ञान का कोई सीमा नहीं है। हे अत्रि, अत्रि मुनि और अनुसुईया के पुत्र। तो पहला जो पैराग्राफ है उसमें बताया गया है कि दत्तात्रेय भगवान कौन थे, क्या इनकी शक्तियाँ थीं और इनके पूजन से क्या क्या फल प्राप्त होता है। जो दूसरा, इसी में जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें बोला जाता है, ओम भव बंध विमोचनाय आम आसाध्य साधनाय रिम सर्व विभूतिदाय क्रोम आसाध्य आकर्षणाय एंग वाक प्रदाय क्लिम जगत त्रय वशीकरणाय सौम सर्वमन क्षोभनाय श्रीम महासंपत प्रदाय ग्लौम भूमंडलाधिपति प्रप्त प्रदाय द्राम चिरंजीविने। तो ये जो दूसरा चरण है, जो दूसरा पाठ है इनके मंत्र का, इसमें सारे बीज हैं, ठीक है। तो पहला ओम भव बंधन विमोचनाय, ओम ओम यहाँ पर बीज मंत्र है और इस मंत्र के साथ लिखा है वो जो इस पूरे बंधन से, इस पूरे माया से हमको मुक्त करे। वो आम आसाध्य साधनाय, तो आम बीज मंत्र के साथ बोला गया कि वो जो ऐसी साधनाओं को भी सिद्ध करवा दे जो सिद्ध होने वाली ही नहीं है। रिम सर्व विभूति दाया, रिम इसमें बीज मंत्र है और बोला गया है रिम हे दत्तात्रेय वो हो आप जो कि ऐसी ऐसी शक्तियों की अनुभूति हमें करवा सकते हो जो कोई और नहीं करवा सकता। क्रोम असाध्य आकर्षणाय, क्रोम बीज मंत्र और साथ में आप वो हो जो कि हर वो इच्छा जो मैं रखता हूँ वो आप मुझ तक लाकर देते हो या मेरे लिए सहज करवाते हो। एम वाक प्रदाय, मतलब वो जिसका आवाज, जिसकी वाइब्रेशन ही पूरे ब्रह्मांड में है, मतलब जिससे सब कुछ शुरू हुआ। एम वाक प्रदाय, क्लिम जगत वशीकरणाय, तो क्लिम बीज मंत्र के साथ वो जो वो शक्ति दे जिससे कि सब जन का, जगत का वशीकरण हो जाए। तो दत्तात्रेय का क्लिम मंत्र जगत वशीकरण आए, ये वशीकरण में प्रयोग होता है। सौ मन छो बनाया, सौ इसमें बीज है, वो जो कि आपको संतोष दे, वो जो आपको खुशी दे और वो जो आपको स्थिर कर दे कि जो है आपके पास वो आपका है और आप ही सब हो। श्रीम महासंपत प्रदाय, इसका मतलब श्रीम बीज मंत्र जो कि लक्ष्मी का भी बीज मंत्र है, यश का बीज मंत्र है और वो जो आपको आपके कुटुंब में बहुत महत्वपूर्ण बना दे। ग्लौम भूमंडल आधिपत्ति प्रदाय, मतलब ग्लौम यहाँ पर बीज मंत्र है, वो जिसने इस धरती पर राज किया है और जिसको ये देखना है वो गिरनार पर जा करके उस महाराज को देख सकता है। द्राम चिरंजीविने, इसका मतलब दत्तात्रेय, द्राम जो है वो द्राम, ओम द्राम दत्तात्रेय नमः, द्राम दत्तात्रेय भगवान का बीज मंत्र है और मंत्र कहता है कि दत्तात्रेय जो है वो कभी वो सजीव है, चैतन्य है। इस मंत्र में आगे जो है वष्टक वशीकुरु,
वशीकुरु, वष्टक आकर्षाय अकर्षाय हुम, विद्वेषय विद्वेषय, फट उच्चाटय उच्चाटय, ठ ठ स्तंभय स्तंभय, खय खय मारय मारय, नमः संपन्ने संपन्ने स्वाहा। ये नाथ संप्रदाय के अंदर का एक विषय आप बोल सकते हैं। ये जो अगला मंत्र का जो चार लाइन है वो नाथ संप्रदाय के अंदर का विषय है, या फिर ऐसा बोलो कि ये हम नाथों में प्रयोग होने वाला एक शब्द है। इसको एक तरीके से बोला जाता है, ठीक है। हमारे जो भगवान है दत्तात्रेय, तो साबर मंत्र नाथ पंथों में लिखा गया है और उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। फिर लिखते हैं शोषय शोषय, पर मंत्र पर यंत्र पर तंत्रानी छिन्न छिन्न, ग्रहणी वार्य निवार्य, व्याधिन विनाशने विनाशने, दुख हर हर दारिद्रम विद्रवय विद्रवय, देहम शोषय शोषय, चिंतम तोषय तोषय। यहाँ पर इस मंत्र में कहता है, कहा जाता है कि दत्तात्रेय भगवान, हे दत्तात्रेय भगवान, जो भी मुझ पर मंत्र तंत्र करे उसको नाश कर दो, जो भी दोष हो ग्रह का नक्षत्र का उसको खत्म कर दो, जो भी दुख दारिद्र है दिमाग का और मटेरियल लाइफ का उसको ख़त्म कर दो, जो मेरे अंदर अहम है उसको समाप्त कर दो और आपकी शरण में मुझे ले लो। इसी मंत्र में आगे बोला गया है सर्व मंत्र स्वरूपाय, सर्व यंत्र स्वरूपाय, सर्वतंत्र स्वरूपाय, मतलब जो हर मंत्र में है, जो हर तंत्र में है और जो हर यंत्र में है, तो उस यंत्र तंत्र और मंत्र के जो ईष्ट दाता है दत्तात्रेय भगवान। अंतिम शब्द है सर्व पल्लव स्वरूपाय। तो सर्व पल्लव क्या होता है? सर्व पल्लव इसको एक कहने का विधान है हमारे में, जैसे ओम ओम महा ओम जमा ओम तपा ओम सत्यम। तो जो ओम ओम बोलते हैं ना, ओम ओम की जो ध्वनि है, जो उसको बोलने का तरीका है, ओम ओम, उसको पल्लव कहते हैं। तो सर्व पल्लव स्वरूपाय वो भगवान दत्तात्रेय हैं। और अंत में बोला जाता है ओम नमो महासिद्धाय स्वाहा, मतलब हे महासिद्ध आपको नमस्कार है। अच्छा, ये तो पूरा मंत्र मैंने बता दिया, अब इस मंत्र को कैसे करते हैं? जैसे और सारे मंत्रों का मैंने बताया कि एक बार बैठो बीज मंत्र का 4 लाख जाप करो और पूरे जीवन में 96 लाख जाप करो, इस मंत्र को एक जो चरण होता है वो 11,000 मंत्र, मतलब करीब करीब 11,000 जाप का होता है। एक आम साधक को शुरुआत में 3 घंटे करीब करीब लगते हैं इसका एक माला करने में। जब थोड़ा सा आप जाप इसको आप याद कर लोगे तो आपको 1.5 घंटे के आसपास लगेगा, तो 108 जाप करने में 1.5 घंटे। तो 11,000 एक बार में शुरू करके ख़त्म कर लेना ऐसा संभव नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि कम से कम 3 माला रोज़, मतलब जैसे सुबह एक माला कर लिया, चलते फिरते दूसरा माला कर लिया, रात में एक माला कर लिया, ऐसा करके आप जो है कम से कम 300 जाप या 3 माला हर रोज़ करेंगे, तो फिर 40 दिन में आपका 11,000 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास समय है तो 3, 5, 7, 11, 21 जितना भी माला चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 माला कीजिएगा और 40 दिन में इसको आप लोग 11,000 पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जीवन में कभी किसी तांत्रिक अघोरी, किसी एस्ट्रोलॉजर, हाँ, किसी नए पूजा पद्धति की आवश्यकता नहीं होगी। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो शक्ति है वो आपके साथ हमेशा रहेगी। भगवान दत्तात्रेय की ये साधना बहुत महत्वपूर्ण है, इसका मतलब जानकर ही इसकी साधना करनी चाहिए, इसीलिए आप लोगों को मैंने पूरा इसका मतलब बताया है। आज के लिए इतना ही। भगवान दत्तात्रेय आप लोगों पर बहुत सारी कृपा बरसाएं। जिनको साधना का बेसिक सिद्धांत सीखना है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो कि पेड है उससे जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431185585। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantrahasya.xyz। जिनको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है वो
कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करके उस पर rudranath@cmco सर्च करके मुझसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।